अस्सलाम वालेकुम पीर बाबा, हक बाबा, सच बाबा, आप भी इधर? नाम छोड़ो भाई साहब, कंडना करो, पीर और बैठे हैं। अच्छा चलो ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम का जवाब वालेकुम सलाम होता है, ये नहीं होता कि कंड क्यों फेरी है। अगर गुस्ताही की माफी मिल सकती है तो कुछ अर्ज कर दे। जी चुप करी के बे रहो, अपनी वारी ने इंतजार करो, पता नहीं किधरू आ रहे हैं, मुंह चाहिए। अच्छा अल्लाह मुझे अल्लाह अल्लाह। बाबा जी को, आप बाबा जी के पास क्यों आए हैं, आपको क्या बीमारी है? हमारी मोहल्ले वालों को तो नहीं बताई जाती ना, मैं पीर बाबा के पास आया उनको ही बतानी है, आपको बता दो। भाई साहब सजियां खबियां गल्ला ना करो, खामोशी नाल अपनी वारी ना इंतजार करो। ठीक, बारी हमारे दर पे जो भी आता है बच्चा, कभी खाली नहीं जाता, सब कुछ लेके जाता है बच्चा। बाबा जी कौन सी बीमारी का इलाज करते हैं? बहुत बोलती है बच्चा, बाबा दम कर रहा है। आप आज तो बात करें, अभी अकबर बाबा हमसे भी नाराज हो जाएंगे, आप हमारा भी काम खराब करने के लिए आ गए। भाई साहब खामोशी नाल बोए, बकरा मंडी नहीं है। सब्जी मंडी है, सब बीमारियों का इलाज होता है यहाँ पे बच्चा। बाबा जी कौन सी बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं आप, मुझे बताएं क्या, ताकि मैं जो है अपने खानदान का भी इलाज आपसे कराऊं। मुझे पहले बताएं तो सही, आप कौन सी बीमारी में? बहुत बोलती है वो, करो इलाज इसका। कारोबार में बरकत, बीवी फरमा बरदार, इसके अलावा जितने भी इलाज होते हैं हम सारे इधर ही कराते हैं। महबूब कदमा किस्मत बदलनी हो है, हर एक चीज ना इलाज बाबा साहब ने एक शुफ ने कमाल। बिल्कुल शुफ शुफ बाबा जी की दाढ़ी तो है नहीं है, तो क्या ये कौन से पीर हैं? डिजिटल पी। ये बहुत बोलती है, इसका दम करो। बाबा जी अपना मुंह, बाबा जी अपना मुंह संभाले, सारी आपकी जो है ना थूक मेरे मुंह पे आ रही है। बड़ों के आगे नहीं बोलते बच्चा, दम करा लो। बाबा जी सारी थूके आपकी मेरे मुंह पे आ रही है, जब सारे जरसीम मुझे लगा रहे आपको। मैं यहाँ पर 3 नमाजों के टाइम से बैठी हुई हूँ, आपने एक नमाज नहीं पढ़ी। कैसे बाबे हैं ये, ऐसे बाबे होते हैं? ये खाना इधर खाते हैं, बकरे इधर खाते हैं, बड़े बड़े गधे इधर खाते हैं, ये सिर्फ खाना इधर खाते हैं, नमाजें इधर, नमाजें ये मक्के और मदीना में पढ़ते हैं, ये सिर्फ इधर बैठते हैं, भाई उनकी रूह साहब उधर होती है। तुसा बार बार गुस्सा की करने हो, कुरा टंगा ना त्रुटी जान तुसा नहीं। अच्छा टंगा त्रुटी है। अच्छा, इसको जन्नत में भेज दो, निकालो इसे बाहर, मार डालो इसे, मार डालो। क्या बकवास है बाबा जी, जन्नत और जहन्नम में भेजने का फैसला कोई इंसान कैसे कर सकता है? ये पहुंचे हुए हैं, ये सब कर सकते हैं। आप भी आया करें इनके पास, पैसे लेके, बाबा बकरा बच्चा भी भी लेके। देने, आपके बेटे के दिल में सुराख है बच्चा, 2 दिन बाद आना, काला बकरा और 11.25 रुपये न्याज भी लाना, ओ जाली बाबा, आपका इलाज हो जाएगा बच्चा। ओ जाली बाबा, सीधा कहो बकरे खाने के लिए यहाँ बैठे हुए हो, कैसी जहालत की बातें कर रहे हैं ये? नहीं, ऑपरेशन करते हैं ये लोगों के, ऑपरेशन जिन्नात के जरिए करते हैं वो सारी, इससे पहले जितने भी ऑपरेशन हुए ये लोगों के इधर ही करते हैं। जी जिस तरह पीर साहब आने उस तरह करो तो सामना इलाज बेहतरीन हो सी। बाबा जी किस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं? बाबा जी अपना ऑपरेशन तो कराची से करवा के आए हैं, कौन सा ऑपरेशन ये जिनाद के जरिए करेंगे? अच्छा आपने उधर करवाया इन्होंने? जी पीर साहब प्रोग्राम बड़े लगाने हो, आप पर आपके बेटे ने जादू किया है बच्चा, इसे मार दो। कौन से बच्चे ने जादू किया है, मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है। छोटा बच्चा नजर आ रहा है बाबा को, मार दो बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी शक था, ये बिल्कुल पीर बाबा ठीक कह रहे हैं, मैं मार दूंगा। ये बकवास है, जहालत वाली बातें कर रहे हैं। मारो से, पकड़ो से, ओ जला दो बाबा, उसको, जला दो, ओ जला दो। ओ बाबा, ओ बाबा, आपको तो कुछ भी नहीं हुआ, ये जाली पीर है। जाली पीर है। वो पीर तो फिर इनको तो वार देना चाहिए। प्रोग्राम बड़ी क्या ने बुआ जी, ओह नो, पैसे कटो, पैसे, इनको मेरे बाहर पैसे वापस भेजो, निकाले हैं जी। पीर इनको समझाओ, फिर भी बाज ना है ना बच्चा, कुछ पैसे देके इनको भेज दो बच्चा इधर से। पैसों वाली बात नहीं चलेगी यहाँ पर, ये आपका इलाज तो मैं करवाती हूँ ना, चेले को भी पकड़ो। बीबी ना कहे, मैं तो अपनी नौकरी करना पिया बीबी। नौकरी नहीं है, मिले हुए सारे, पकड़ो चेले को, पकड़ो इन्हें, पकड़ो, पुलिस को बुलाओ इन्हें, भागने ना देना इन्हें, पकड़े इन्हें।
इन जाहिली बाबाओं ने आप लोगों की जमा पूंजी को खुखाते लगा दिया है। आपकी जमा पूंजी पे ये राशि करते हैं और आप इनके चक्रों में फंसे हुए हैं। फैसला आपने करना है, आपने अपनी किस्मत खुद बदलनी है या ऐसे जाली पीर आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे।